आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आरएलडी विधायक विजय कुमार का बड़ा दावा, मार्च से तेजस्वी यादव संभालेंगे बिहार की कमान। आरपीएफ जवानों पर दलित महिलाओं से अभद्रता के आरोप, महिला ने थाने में की शिकायत। विधायक यूसुफ तारीगामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। राष्ट्रीय लोक नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। रोहतास के दिनारा में राजद विधायक विजय कुमार मंडल ने बड़ा दावा किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वो बोले कि मार्च में तेजस्वी यादव बिहार की पूरी तरीके से कमान संभालेंगे। उनका कहना है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आए। जनता दल के यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान में कहा था कि 2025 अभी दूर है, सीएम के लिए अभी से चर्चा करना उचित नहीं। कांग्रेस तो हमारी पहली महागठबंधन की बैठक हुई और माले के लोगों ने अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के तेजस्वी को नेता चुना और वो लोग विधानसभा हो चाहे गवर्नर के यहाँ जो मामला गया हो, हर जगह पर हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। मुझे कांग्रेस पर कोई शक नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे। खबर मधुबनी जिले से है, जहां नगर निगम परिसर स्थित विवाह भवन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला कमेटी द्वारा आहूत कन्वेंशन को संबोधित करते हुए माकपा के केंद्रीय कमेटी सदस्य जम्मू कश्मीर के विधायक कॉमरेड यूसुफ तारीगामी ने कहा कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से देश का अमन चैन छीन लिया है। बड़े स्तर पर अल्पसंख्यकों, दलित, गरीब परिवारों को मारा पीटा जा रहा है। नफरत की राजनीति कर भाजपा देश की एकता को कमजोर कर रही है। पुराना इंडिया ये था कि कम से कम आप और मैं एक साथ मिलकर सपने देखते थे, अब उन सपनों को भी उजाड़ा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। आज आप ही अभी प्रेस को देख लीजिए, आपके न्यूज़ बड़े बड़े चैनल्स को देख लीजिए, मन करता है आपको देखना? अभी आप ही देख लीजिए, अगर आप जुरत कर ले कहीं से, कितने ही आपके दोस्त हैं, साथी हैं, कोलीग्स हैं, जिनको बिला वजह गिरफ्तार किया गया और बाद में एक जेल से लेकर दूसरी जेल तक जाने के लिए भी उनको काफ़ी कुछ करना पड़ा, कहना पड़ा, तब भी बात सुनी नहीं जाती। ये हाल है हमारे, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस which is important for making the leadership of the country, the institutions of the country accountable. जब प्रेस वीक हो जाता है, जानना चाहिए बहुत बड़ी चोट है कहीं, वो चोट आप महसूस करेंगे, पूरा देश महसूस कर रहा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने निराले अंदाज के लिए बेहद ही मशहूर हैं। उनके क्रियाकलाप और बयान अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय बन जाते हैं। वो कभी अपनी किसी वीडियो के लिए सुर्खियों में आ जाते हैं, तो कभी अपनी वेशभूषा के लिए। एक बार फिर से वह चर्चा में है और इस बार चर्चा उनके साइकिल से ऑफिस जाने की हो रही है। साइकिल से अपने कार्यालय जाने के पीछे उन्होंने जो वजह बताई उसकी तो और भी ज्यादा चर्चा हो रही है। बिहार सरकार में
वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव आज बुधवार सुबह जब अपने कार्यालय के लिए निकले तो वह साइकिल पर थे। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि आज सुबह सपने में मैं वृंदावन जा रहा था, रास्ते में सैफई पड़ा, वहां मुलायम सिंह यादव मिले, उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे घड़ी दी और वे काफी भावुक हो गए। उनसे प्रभावित होकर मैं साइकिल से ऑफिस जा रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक संबंधित पदाधिकारियों के साथ की। बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी कार्य विभागों को पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को निर्देश जारी किया। निर्देश में यातायात प्रबंधन सुचारू ढंग से करें, साथ ही सघन जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें पदाधिकारियों और अभियंताओं को जारी निर्देश दिया गया। निर्देश में यातायात प्रबंधन सुचारू ढंग से करें, साथ ही सघन जांच अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ हुआ। परियोजना को प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कोंदी पंचायत के मुखिया द्वारा दीप जलाकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पंडारक प्रखंड विकास पदाधिकारी विपुल भारद्वाज और प्रखंड के अचल अधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ल के साथ कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भागलपुर के कहलगांव में आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर भावेश कुमार और कुछ पुलिस कर्मियों पर एक दलित महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि ये सभी लोग देर रात तक उसके घर में घुसे और घर में मौजूद सभी महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाला, साथ ही जाति सूचक शब्द भी कहे। इतना ही नहीं, महिला ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उन लोगों ने घर की नकदी और जेवरात भी लूट लिए। पीड़िता ने मामले की लिखित शिकायत थाने में की है, साथ ही ये भी कहा है कि अगर उनकी एफआईआर 24 घंटे में दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। जदयू से टूटकर उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हुआ है। इससे बिहार की राजनीति में भूचाल आया है। वहीं पूरे बिहार में रालोद का स्वागत हो रहा है, कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वहीं डॉक्टर दीपक ने कहा है कि पार्टी बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देगी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में जंगल राज को लाना चाहते हैं, जिसको लेकर बिहार की जनता और राष्ट्रीय लोक जनता दल कभी होने नहीं देगी। भविष्य में जदयू का राजद से विलय होना निश्चय है। बिहार की जनता राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ अटूट रूप से आस्था जता रही है। पार्टी लोगों की अपेक्षा पर खरी उतरेगी। देखिए, जदयू से टूटकर राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हुआ है, जो आने वाले समय में बिहार की दशा दिशा, बिहार की राजनीतिक भविष्य को तय करेगी। ये पार्टी बिहार के जनता के जन अपेक्षाओं पे 100% खरा उतरने का काम करेगी। लगातार जदयू जिस तरीके से अपना आने वाला समय राजद के लिए दे दिया है, जदयू का विलय एक वैरायटी से राजद में तय है, जिसकी चर्चा बिहार की जनता, बिहार की पार्टी आरजेडी भी कर रही है।
खबर सहरसा से है, जहां कैदी पूर्व सांसद आनंद मोहन पेरोल खत्म होते ही सहरसा जेल वापस चले गए। इस दौरान जेल गेट पर सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। बता दें, आनंद मोहन की बेटी की रिंग सेरेमनी के चलते उनको 15 दिन का पेरोल मिला था, जिसके पूरे होते ही उनको वापस जेल भेज दिया गया। ये तो होना ही था, 15 दिनों का पेरोल था। शादी को सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए और सब ठीक रहा, अच्छे से सब विदाई वगैरह करके क्योंकि वो दामाद को फिर लौट रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा है तो एक जिम्मेवार पद पर आसीन व्यक्ति के कहने का कुछ तो वजन होता है, तो मैं समझता हूँ कि इसके प्रति वो गंभीर होंगे तभी तो बोलिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर आर्मी भर्ती कार्यालय अग्निवीर का 3रा दस्ता ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र की तरफ रवाना कर दिया गया है। इस दस्ते में चयनित सभी युवा भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में चयन होने के कारण काफी खुश थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत माता के अग्निवीर बनकर सेवा करने का सौभाग्य मिलने से उनका जीवन धन्य हो गया है। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों को दलालों से भी सावधान रहने को कहा। आज 3रे दस्ते का विदाई समारोह सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर में हुआ। खबर नवादा से है, जहां सदर अस्पताल में कैदी खुलेआम हाथ में हथकड़ी लगे रस्सी को खुद पकड़कर घूमते नजर आया। वहीं जब इस मामले में मीडिया ने खबर ली तो पुलिसकर्मियों ने दौड़कर कैदी के हाथ से रस्सी को लेकर पकड़ा और उसे मेडिकल प्रशिक्षण में ले गए। बता दें, कैदी युवक को पुलिस शराब के नशे में होकर घर में अपने भाई के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने इसे अपने हिरासत में लिया था। बिहार की बात हो और शराब की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। होली से पहले नवादा जिले में शराब को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है। जिले के वारसलीगंज पुलिस ने सिमरी गांव में एक खेत में बने
नेवारी की पुंज से में छिपा कर रखी भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। वहीं कारोबारी को पुलिस की भनक लगते ही अपनी दो बाइक को छोड़कर भाग गए। फिलहाल पुलिस शराब और दो बाइक को जब्त कर शराब कारोबारी की तलाश में जुटी। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के लोदीपुर थाना अंतर्गत गरोहतिया चौक के पास 8 वर्षीय बच्चे के ऊपर टोटो पलट जाने से बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा जब रोड क्रॉस कर रहा था, वहीं सड़क पार करने के दौरान अनियंत्रित टोटो ने बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद टोटो बच्चे के ऊपर पलट गई और बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टोटो वाला या ऑटो वाला जो भी है वो इतनी फास्ट में थे कि बच्चा सामने से दौड़ गया और ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, वो एक्सीडेंट कर गया। और इतनी बड़ी घनी आबादी है कि यहाँ पे रोड पे बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है ड्राइवर के लिए, खास करके रोड पे लगता है। कृपया धीरे चलें, घनी आबादी है। रोड जिला प्रशासन को चाहिए ये बोर्ड लगाएँ और जहाँ घनी आबादी है वहाँ ब्रेकर डालें। और यहाँ पे एक दिन में 5-5 एक्सीडेंट होते हैं, एक बार नहीं, आज पहली बार नहीं हुआ है, कितनी एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। हम पब्लिक ऐसे बोल करके रह जाते हैं, ना जिला प्रशासन ध्यान धरते हैं ना प्रशासन ध्यान धरते हैं। नालंदा में आए दिन तेज रफ्तार का कहर से मौत की खबर आम बात हो गई है। जिले में बेहटा सरमेरा पथ चंडी थाना क्षेत्र के तिनी गांव के पास ट्रक व स्कॉर्पियो के टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मी को स्थानीय व पुलिस के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगर नौसा भर्ती कराया गया, जहां से सभी को रेफर कर दिया गया था, जहाँ इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बिजली विभाग के द्वारा देश के 2 बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानी अमर शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी के नाम से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें दोनों ही के नाम से नोटिस जारी है। 1,36,000 रुपये की बिजली का बकाया भुगतान किए जाने को लेकर एक डेडलाइन दिया गया है। विवाद बढ़ा तो SDO ने कहा कि गलती से शहीद खुदीराम बोस के नाम पर नोटिस निकला है, स्मारक संचालित करने वाली कंपनी का नाम डालकर दोबारा भेजा जाएगा। अभी जस्ट मामला संज्ञान में आया है और इसमें पहले से मालूम है कि हम लोग का जो खुदीराम बोस पार्क है और भाटा का जो पार्क है उसमें सहारा के द्वारा उसके मेंटेनेंस और बिजली बिल का भुगतान किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड या सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है जनरेशन, इसमें उनका नाम आ गया है। इसको हम लोग स्कूटी इंजीनियर बिजली के माध्यम से जांच करके आपसे कार्रवाई करेंगे। खबर नवादा से है, जहां अकबरपुर थाना के दीदी गांव के रहने वाले युवक की ट्रक और टेम्पो की टक्कर से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक टेम्पो से नवादा जा रहा था कि अचानक ट्रक और टेम्पो की टक्कर हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। SP कंटेश कुमार मिश्र ने जानकारी दी कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ कुख्यात अपराधी मादक पदार्थ के साथ अरेराज की ओर जा रहे हैं। सूचना के बाद FDPO के नेतृत्व में एक टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। मोतिहारी जिले में वांछित और टॉप 10 अपराधी ख्यात सूरज तिवारी को हथियार से गिरफ्तार किया गया है। 20 फरवरी को सूचना मिली थी दोपहर 2 बजे कि अपराधी सूरज तिवारी अपने गिरोह के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य अरेराज की ओर आ रहा है।
सूचना प्राप्त होते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरिराज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से कार्रवाई करते हुए सूरज तिवारी को अरिराज थाना क्षेत्र से हथियार एवं मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। खबर मोतिहारी से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई दो घटनाओं में एक बच्चे और एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं इन दोनों घटनाओं में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, पहली घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के चंद्रहिया पंप के पास की है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रॉन्ग साइड से आकर कार में ठोकर मार दी, जिससे कार सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें बच्चे को इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बरियार से है, जहां एक लापरवाह ट्रक चालक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसके शरीर के पर खच्चे उड़ गए और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई। साल के मासूम की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोतिहारी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक मासूम की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। नालंदा के जिला अधिकारी ने नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिला में जारी भूमि सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तकनीक उन्नयन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के साथ जिलाधिकारी ने लापरवाही को लेकर भी सख्त दिखे। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में थोड़ी भी लापरवाही स्वीकार योग्य नहीं होगा, साथ ही लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर्वे को लेकर के ये ट्रेनिंग बुलाया गया है। इसमें खास करके बकाश्त भूमि में लोगों के एंट्री हो रही है, उसमें कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए ये ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी नहीं हो। नहीं, दो तरह की चीज़, एक रेती ज़मीन है और एक बकाश्त ज़मीन है। दोनों केस में इन लोगों को बताया गया है, किसी तरह का कोई गड़बड़ी करने पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ शिकायत भी है जिस पर बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।